हे दोस्तों, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे चीज़ें सेव करना बहुत पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वीडियो काम का लगा तो आप उसे सेव करके रखते हो और सोचते हो इस इन्फॉर्मेशन का कभी फ्यूचर में मैं यूज़ करूंगा, बट प्रॉब्लम यह है कि आप सेव तो करते हो बट कभी उसे यूज़ नहीं कर पाते हो। सो अगर आप ऐसे इंसान हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसके साथ साथ अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का बहुत प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे 2023 में और अगर आप चाहते हो कि 2024 में आप इन प्रॉब्लम से सफर ना करो तो आज का वीडियो गौर से देखना, बिकॉज आपको इस सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। टियागो एक यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी में काम करते थे जहां से उनकी पोस्टिंग यूक्रेन में लग गई थी। नाउ यूक्रेन में वो अपने दोस्त के साथ ऐसे घूम ही रहे थे, तभी उन्होंने अपने दोस्त एलिसन से कहा कि यार हमें ना रशिया भी घूम के आना चाहिए, वो यहां से काफी नजदीक है। नो, ये सुनते ही उनका जो दोस्त था ना वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गया और उसने कहा कि टियागो ये तुम क्या बोल रहे हो, हम तो पिछले महीने ही रशिया घूम के आए हैं। नो, ये बात सुनते ही टियागो के होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि ये चीज़ जो उनके साथ हो रही थी वो एक साइड इफेक्ट था एक दवा का जो वो खा रहे थे। दरअसल बात ये थी ना कि टियागो फोर्टे बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। 22 साल की उम्र में ही वो सैन डियागो स्टेट यूनिवर्सिटी में बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे। वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और खुश थे, लेकिन फिर 2007 की समर में अचानक उनके गले में दर्द होना स्टार्ट हो गया। उन्हें लगा कि यह सर्दी की खराश होगी, इसलिए उन्होंने उसे इग्नोर किया, लेकिन ये दर्द खत्म होने के बजाय और बढ़ता चला गया। खराश बदल गई जलन में और ये जो जलन थी वो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उससे उन्हें बहुत ज्यादा पेन होने लग गया। वो हर सुबह उठते थे तो उन्हें लगता था कि कोई उनका गला दबा रहा है, उन्हें घुटन महसूस होती थी, वो अच्छे से बोल तक नहीं पाते थे, पर उनकी कंडीशन फिर भी सही नहीं हो रही थी। महीने साल में बीत गए बट कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन जब भी डॉक्टर्स उनके पेन का कॉज पता करने की कोशिश करते तो अनफॉर्चुनेटली उनको समझ में ही नहीं आता। वो कई सारे टेस्ट, स्कैन, डायग्नोसिस सब कुछ करके उन्होंने देख लिया था, पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बीमारी हो रही क्यों है। देन फाइनली उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट मिले जिन्होंने टियागो को एक लास्ट ऑप्शन दिया। डॉक्टर ने कहा कि देखो, हमें तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कॉज नहीं मिल रहा है और कॉज नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम इसे जड़ से ट्रीट भी नहीं कर सकते, बट अगर तुम इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो तो ये एक दवा है जो तुम्हारे दर्द को खत्म कर देगी। नाउ बेसिकली ऑथर ने टियागो को जो दवा दी थी वो एक एंटी सीजर मेडिसिन थी जो कि नर्वस सिस्टम के एक ऑफ स्विच की तरह काम करती थी। ये मेडिसिन जो थी ना वो सर से लेके पाँव तक के पूरे नर्वस सिस्टम को सुन कर देती थी, जिससे उन्हें दर्द महसूस नहीं हो पाता था। जैसे ही टियागो ने ये मेडिसिन लेना स्टार्ट करी उनका दर्द खत्म होना स्टार्ट हो गया। वो जिस भी दिन दवा खाते थे उनका पूरा दिन मक्खन जैसा जाता था, दर्द महसूस नहीं होता था, बट हाँ उन्हें ड्रंक जैसा फील होता था। ये था उनका पहला साइड इफेक्ट। बट जैसे जैसे उन्होंने दवा कंटिन्यू करना स्टार्ट करी उन्हें सेकेंड साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ, जिसने उनकी पूरी जिंदगी, करियर, बिजनेस और हर चीज़ को बदल के रख दिया। और सेकेंड साइड इफेक्ट उनका था सिवियर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये दवा की वजह से उनकी जो मेमोरी थी वो वाइप होते जा रही थी, वो ट्रिप्स, रिलेशनशिप, कई सारी चीज़ें भूलने लग गए थे। इनफैक्ट उनके दोस्त ने उनको फोटोज़ भी दिखाए कि देख हम लोग रशिया घूमने गए थे, हमने ये किया वो किया, बट उन्हें स्टिल कुछ भी नहीं याद आ रहा था। जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास ना तब दो रास्ते बचे थे, या तो मैं इस पेन को रोक सकता था जो हाँ मेरे पेन को तो ख़त्म कर देता पर मेरी सारी मेमोरीज भी ख़त्म हो जाती जो कई बार लाइफ में मीनिंग देती है, या तो फिर मैं मेमोरीज के साथ साथ पेन को भी रखता। नो, जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों ही ऑप्शन अच्छे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक थर्ड ऑप्शन क्रिएट किया काफ़ी सारे रिसर्च और मेहनत करके। और ये जो थर्ड ऑप्शन था कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो वही एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक बनी जिसका नाम है बिल्डिंग अ सेकेंड ब्रेन, जिसने टियागो को टियागो फोर्टे एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनाया। जो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था ही बट उसके साथ साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन था जो आजकल हम सबको हो रही है, जो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से लोगों को आज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सारी चीज़ों का रूट कॉज बन रहा है। एग्जाम्पल, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम दिन भर में ना अपने दिमाग में 34 GB तक का डेटा कंज्यूम करते हैं, जो कि अराउंड 174 फुल न्यूज़पेपर के बराबर होता है, और ये सब चीज़ें हम लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा टोल दे रही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? वह सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, जिसे मैंने कई बार आप लोगों से शेयर भी किया है, जो है राइट थिंग्स डाउन। यानी जो भी आप कंज्यूम करते हो, स्पेशली इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसे लिखना स्टार्ट करो। और लिखना भी कैसा है? वेल, उसका एक तरीका होता है, तरीका जो आपका सेकेंड ब्रेन आपको बनाने में हेल्प करेगा। सेकेंड ब्रेन बेसिकली एक सिस्टम बनाना है लिखने का। सेकेंड ब्रेन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसी ट्रस्टेड जगह है जहाँ पर अपनी सारी इंपॉर्टेंट मेमरीज
इंफॉर्मेशन, बुक्स, पॉडकास्ट, आइडियाज, बातें, कोट्स, वो सारी चीजें स्टोर करके रख सकते हो जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा क्लैरिटी देते हुए, ना कि कंफ्यूज और प्रोक्रास्टिनेट कराते हुए। सो अब सेकेंड ब्रेन क्रिएट कैसे करना है, वेल उसके लिए मैं आपको अभी एकदम सिंपल तरीके से सिर्फ दो स्टेप का प्रोसीजर बताऊंगा, जिसमें से पहला स्टेप है कैप्चर का। मेरे साथ ना दोस्तों ऐसा कई बार होता है, जब मैं नहा रहा होता हूँ तब मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। मैं सोचता हूँ कई बार कि हाँ मैं आगे जाके इस आइडिया पर काम करूंगा, बट कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ टाइम बाद मैं उस आइडिया को याद करने की कोशिश करता हूँ तो वो आइडिया मेरे दिमाग से निकल जाता है, और कितना भी कोशिश कर लूँ कई बार वो आइडिया याद आता ही नहीं है। आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? वेल देखो, डेविड एलन का, जो कि अनदर ग्रेट ऑथर है, उनकी बुक का एक फेमस कोट है जो बोलता है कि योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। और ये चीज़ फैक्ट है, हमारा दिमाग आइडिया स्टोर करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उससे ज़्यादा हमारा दिमाग आइडियाज क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। और अगेन, इस चीज़ के लिए भी हमारा सेकंड ब्रेन हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू चीज़ है, कई सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, जिसने ह्यूमन रेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है, वो सब इस कैप्चर वाली हैबिट को फॉलो करते थे। जेरी साइनफील्ड हर दिन एक जोक लिखते थे, लियोनार्डो डा विंची वो भी अपने हर एक आइडिया को बुक में लिखा करते थे। इनफैक्ट आपको एक क्रेजी फैक्ट पता है, आज तक की जो सबसे महंगी बुक है ना, वो भी लियोनार्डो डा विंची की बुक ही थी, जिसे बिल गेट्स ने खरीदा था $30.8 मिलियन में। जो बुक में और कुछ नहीं, बस लियोनार्डो डा विंची के आइडियाज थे जो उन्होंने 16th century में लिखे थे। सो आप भी अपने आइडियाज लिखना स्टार्ट करो, पता नहीं मे बी आपके आइडियाज भी कल को कोई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीद ले। बट देखो, हाँ ये बात तो है कि अगर आप अपने सेकंड ब्रेन में चीज़ों को कैप्चर करना स्टार्ट करोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखना स्टार्ट करोगे, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब लिखना क्या चाहिए, वेल मैं आपको बताता हूँ। इन 5 चीज़ों को आप कैप्चर करना स्टार्ट कर सकते हो, जिसे आप शिपी एक्रोनिम से भी याद रख सकते हो। शिपी का एस स्टैंड करता है सरप्राइजिंग के लिए। कोई भी वो बात जो आपको सरप्राइज करती है वो आप लिख सकते हो। कोई भी वो बात जो आपको लगता है हेल्पफुल है वो लिख सकते हो। आई स्टैंड करता है कोई भी वो बात जो आपको इंस्पायर करती है। कोई भी वो बात जो पर्सनल है और पर्सनली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, कोई भी वो बात जो आपकी इमेजिनेशन को ट्रिगर करती है। याद रखो, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैप्चर करते हो ना, तो अगेन ये आपको 5 चीज़ों में हेल्प करेगी। पहला, वो चीज़ें ढूंढने में जो आपने पास्ट में पढ़ी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पास्ट में अच्छी चीज़ें सीखते हैं बट उसका कभी जिंदगी में रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। दूसरा, वो हमारी नॉलेज जो हमने अभी तक सीखी है उसे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है और अपनी लाइफ में अप्लाई कराने में हेल्प करता है। थर्ड, वो अलग अलग आइडियाज को कनेक्ट कराने में हेल्प करता है। फोर्थ, वो एक रिलायबल सिस्टम बनाने में हेल्प करता है जिसकी वजह से हम एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। और फिफ्थ, वो हमारा टाइम बचाता है, बिकॉज कई बार चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ती है जो हम सीखे रहते हैं बट स्टिल हमें ढूंढनी पड़ती है, जो नहीं करना पड़ेगा अगर हम लोग ऐसा सेकंड ब्रेन बना के चीज़ों को आइडियाज को कैप्चर करना स्टार्ट करें तो। अब ठीक है, कैप्चर करना तो आपको समझ में आ गया, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आपको कैप्चर कहाँ पे करना है। वेल पर्सनली मैंने 3-4 चीज़ों का यूज़ किया है आइडियाज और ये सारी चीज़ों को कैप्चर करने के लिए। पहला डॉक्स, गूगल डॉक्स, दूसरा नोशन, तीसरा टू डू लिस्ट और चौथा नोट्स। तो जो भी आइडिया, कोई भी चीज़ जब आपके दिमाग में आती है तो आप इन तीनों में से कोई एक जगह पे उसे कैप्चर कर सकते हो। ना कैप्चर तो सिर्फ स्टार्टिंग है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो है ऑर्गेनाइज करना। बिकॉज ऑथर बोलते हैं कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्शन गिव्स यू अ सेंस ऑफ ट्रेमेंडस क्लैरिटी बिकॉज यू नो दैट एवरीथिंग यू आर कीपिंग एक्चुअली हैज अ पर्पस। तो कई बार हम लोग कैप्चर करके तो चीज़ें रख लेते हैं, यहाँ वहाँ पे लिख के रख लेते हैं, बट कभी भी वो जिंदगी में काम नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसे ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। इसलिए सेकेंड स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें क्लैरिटी दे। बिकॉज क्लैरिटी नहीं होगी तो इतनी सारी चीज़ों को कैप्चर करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। और ऑर्गेनाइज करने में आपको क्या यूज़ करना है? वेल ऑर्गेनाइज करने में आपको एक मेथड का यूज़ करना है जिसको बोलते हैं पैरा मेथड। पैरा अगेन एक एक्रोनिम है जो स्टैंड करता है प्रोजेक्ट, एरियाज, रिसोर्सेज और आर्काइव्स के लिए। बेसिकली जहाँ पे भी आप चीज़ों को कैप्चर कर रहे हो, उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी सॉफ्टवेयर पे या फिर कोई और सॉफ्टवेयर पे भी आप चाहिए तो ये 4 अलग अलग फोल्डर्स बना लो। जैसा कई बार हम लोग बचपन में भी करते थे ना, कंप्यूटर्स में फोल्डर्स बनाते थे कि ये गेम का फोल्डर, ये मूवीज का, ये सॉन्ग्स का, ये फोटोज़ का। ऐसी आप भी अपने कामों का, अपने आइडियाज़ का या उन बातों का जो ज़रूरी है उसके लिए 4 फोल्डर्स बना लो। पहला जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर में बेसिकली वो सारी चीज़ें आती है जिस पर आपका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और जिस काम के लिए एक क्लियर एंड पॉइंट है, एंडिंग है। वो सारे काम बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स होंगे। जैसे कि अगर आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है जो बेसिकली जुलाई 3 तारीख को आपको सबमिट करना है, तो वो आपका एक प्रोजेक्ट हो गया। 2023 के टैक्सेस भरना है मार्च से पहले, तो वो एक आपका
प्रोजेक्ट हो गया। आपको वेबसाइट लॉन्च करनी है अक्टूबर से पहले, तो वो आपका एक प्रोजेक्ट हो गया। सो अगर आपके पास कोई भी आइडिया या इन्फॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में जो हेल्प कर सकती है, वो जब भी आती है उससे रिलेटेड आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ स्टोर करके रखने चाहिए। कोई भी चीज़ जो आपको इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प करे, आपके काम को आसान करने में हेल्प करे, वो आपको यहाँ डालनी है। सेकेंड फोल्डर आता है एरियाज़ का। एरियाज़ में वो सारी चीज़ें आती है जिसे आपको लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना है या फिर जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी हेल्थ पे काम करना, फिटनेस पे काम करना। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मार्च 30 तक ही फिट रहना है, ऐसा नहीं है, ज़िंदगी भर फिट रहना है। तो आप उसे एरियाज़ फोल्डर में डाल सकते हो। यहाँ पे आप अपने डाइट, वर्कआउट प्लान, कोई भी टिप्स या नॉलेज या वीडियोस जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। आप रिलेशनशिप का फोल्डर बना सकते हो जहाँ पे आप रिलेशनशिप से रिलेटेड थॉट्स या जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, मे बी साथ में मिलके घूमने जाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डाल के रख सकते हो। अगेन रिलेशनशिप भी एक ऐसा एरिया है जो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। ऐसे ही इन्वेस्टिंग, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, कुकिंग या जो भी हॉबीज़ आपको लगती है वो सब आप इस एरियाज़ के सेक्शन में डाल सकते हो। थर्ड आता है रिसोर्सेज। आपके सेकेंड ब्रेन का जो रिसोर्सेज का सेक्शन होगा ना, वो आपकी पर्सनल लाइब्रेरी की तरह होगा, जहाँ पे आप बुक्स तो रखोगे बल्कि उससे रिलेटेड रेफरेंस, फैक्ट्स, वीडियोस, ऑडियोस, पीडीएफ, कोई भी चीज़ जो आपको अपने गोल्स, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में काम आ सकती है या आपकी कोई भी लाइफ की एरियाज में इम्प्रूव कराने में आपको हेल्प कर सकती है, वो भी आप वहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि मे बी आपको अभी डांस सीखने का शौक आया है, ठीक है, और आपने डांस से रिलेटेड कुछ ट्यूटोरियल्स देख के रखे हैं, तो वो आप यहाँ पे फोल्डर बना के डाल सकते हो। ना ये वाली चीज़ हम लोग कई बार करते भी हैं, जैसे YouTube चैनल से रिलेटेड हम लोग वॉच लेटर में डाल देते हैं, Instagram पे सेव कर लेते हैं, Twitter पे हम बुकमार्क कर देते हैं। वैसे ही आप यहाँ वहाँ अलग अलग सॉफ्टवेयर के बजाय ये रिसोर्सेज सेक्शन में एक बना सकते हो, माय YouTube चैनल या फिर माय Twitter, ऐसा करके वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और लास्ट फिर आता है आर्काइव्स। लास्ट ये जो फोल्डर है ना, वो आपके पीसी में जैसे रिसाइकल बिन होती है ना, उसी तरीके से ये चीज़ भी यहाँ काम करती है, जिसे आप यूजुअली इतना यूज़ नहीं करते हो। अब आर्काइव्स में आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हो जो बाकी बची तीन कैटेगरीज में फिट नहीं बैठ रही है, प्रोजेक्ट में नहीं, एरियाज में नहीं, रिसोर्स में भी फिट नहीं बैठ रही है, तो वो आप आर्काइव्स में डाल सकते हो। कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही क्या करना है, उसको आप आर्काइव्स में डाल के रख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ प्रेगनेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जरूरत मुझे अभी नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में इस चीज़ की जरूरत हमें पड़ सकती है, तो आप वो सारी चीज़ें भी आर्काइव्स में डाल के रख सकते हो। देखो ये तो हो गया पूरा ऑर्गेनाइज करने का तरीका, बट चीज़ें यहाँ पे एंड नहीं होती है, इसके बाद भी दो और स्टेप आते हैं। बट मैं सच बोलूँ तो इस वीडियो में नहीं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें भी आपके साथ बोलूँ। अभी के लिए अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हो, अगर आप अपना सेकंड ब्रेन बनाना चाहते हो, अपना टाइम बचाना चाहते हो, तो सिर्फ ये दो चीज़ भी करोगे ना तो भी आपका काफ़ी सारा टाइम बच सकता है, आपके माइंड को ईज फील हो सकता है। इसलिए सिर्फ ये दो चीज़ करो, बाकी तो पूरा एक कोड करके एक्रोनिम है जिसमें से मैंने कैप्चर और ऑर्गेनाइज आपको बता दिया है। डी स्टैंड करता है डिस्टिल फाइंड द एसेंस, और लास्ट स्टैंड करता है एक्सप्रेस शो योर वर्क के लिए, जिसके बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो में अच्छे से बताऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए सिर्फ एकदम शॉर्ट में बता दूं तो डिस्टिल में बेसिकली आप क्या करते हो, जो भी चीज़ें आपने रिसर्च और ये सारी चीज़ें गैदर करके रखी है, उन चीज़ों का यूज़ करके आप अपना खुद का कुछ सोर्स मटेरियल बनाते हो। बिकॉज देखो जब भी हम लोग स्कूल कॉलेज में भी नोट्स लिखते थे बनाते थे, देखो नोट्स तो बस नोट्स है, बट वो एक्चुअल काम आएगी जब हम उसे पढ़ेंगे और उससे समझ के हमें क्या करना है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखेंगे। ये थर्ड स्टेप में आता है। और लास्ट कोड का ई स्टैंड करता है एक्सप्रेस योर वर्क के लिए। यहाँ पे आपने बेसिकली जो भी चीज़ें डाली है वो सब चीज़ का यूज़ करके आप कुछ प्रोड्यूस करते हो। जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उसे आप शेयर करते हो, छोटा छोटा चंक करके या मोर फ्रीक्वेंटली। बट यहाँ पे मेन एक्चुअल काम होता है जहाँ से आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ों को लेके आते हो, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने हाइलाइट्स को, अपने आइडियाज़ को, वो सारी चीज़ों को जो आपने सीखा है उसे आप रियलिटी बनाते हो। अब इससे रिलेटेड भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अगर आप चाहते हो कि दोनों चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करूं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। अभी के लिए यही थी छोटी मोटी समरी बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन की। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी जो आपकी पक्का हेल्प करेगा 2024 में आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाया हूँ बिकॉज मैंने कॉन्टेंट क्रिएट किया, और मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन पाया हूँ बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट राइटिंग इस चीज़ पर फोकस करी है। इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको लिखना बहुत ज़्यादा चाहिए, अगर आप भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो उसके लिए मैंने 999 रुपीज़ का एक फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग का कोर्स बनाया जिसमें मैंने सारी नॉलेज जो पिछले 6-7 सालों में मैंने सीखी है वो डाल दी है। आप उसे जाके खरीद सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और सबसे अच्छी बात यह है अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती है तो मनी बैक गारंटी है, तो जाके आप ज़रूर परचेस करो, सीखो, ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत काम की होगी। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।